सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। बॉलीवुड का वो अभिनेता जिसने लगातार दी 25 फ्लॉप फिल्में, फिर भी बना सुपरस्टार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बॉलीवुड में कपूर खानदान का क्या इतिहास रहा है, इससे हर कोई वाकिफ है। इस खानदान की चौथी पीढ़ी तक फिल्मों में सक्रिय है और खूब नाम कमा रही है। एक दो कपूर बेटों को छोड़ दें तो इस घर से निकला हर सदस्य बॉलीवुड का दमदार कलाकार बना। हालांकि इस खानदान का एक बेटा वो भी था जिसने लगातार 25 फ्लॉप फिल्में दी थी, फिर भी वो हिंदी सिनेमा का सुपरस्टार कहलाया। हम बात कर रहे हैं शम्मी कपूर की, जिनकी अदायगी, डांस और गुड लुक्स ने लोगों को पागल बना दिया था। कहते हैं कि शम्मी कपूर के अभिनय करने का तरीका इतना अनोखा था कि मोहम्मद रफ़ी को अपने गाने का तरीका तक बदलना पड़ा था। उन्होंने अपने लचकते शरीर से लोगों को गाने को एंजॉय करने सिखाया, तो वहीं अपनी मुस्कान और गुड लुक्स से लड़कियों के दिल पर भी कब्जा जमा लिया। हालांकि उनके फिल्मी करियर की शुरुआत बेहद खराब तरीके से हुई थी। पृथ्वीराज कपूर के बेटे और राज कपूर के छोटे भाई शम्मी कपूर की 25 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त तरीके से फ्लॉप हुई थी। 21 अक्टूबर 1931 को मुंबई में जन्मे शम्मी कपूर को बचपन से ही अभिनय का शौक था। उनके पिता को जब भी अपने थिएटर के लिए किसी चाइल्ड एक्टर की जरूरत होती थी तो शम्मी को ही ले जाते थे। शम्मी इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन पढ़ाई से उनका दूर दूर तक वास्ता नहीं था। इसके बाद उन्होंने हीरो बनने का फैसला किया और अपने पिता के पृथ्वी थिएटर में काम करने लगे। 1964 में फिल्म राजकुमार रिलीज हुई, जिसमें शम्मी कपूर के साथ उनके पिता पृथ्वीराज कपूर, राजेंद्र कुमार और साधना काम कर रहे थे। हालांकि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान शम्मी के घुटने टूट गए थे, इसके चलते उन्हें कई महीने शूटिंग और फिल्मों से दूर रहना पड़ा। शम्मी कपूर फिल्मों में आ गए, लेकिन उनकी फिल्में हिट नहीं हो रही थी। उन्होंने लगातार 25 फ्लॉप फिल्में दी थी, जो कि एक रिकॉर्ड है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।